एक हम समझते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट, क्या बोलते हैं इसे? डीम्ड एक्सपोर्ट। किसी ने सुना इसका नाम डीम्ड एक्सपोर्ट? कहता एक्सपोर्ट है नहीं, लेकिन मान लो इसे एक्सपोर्ट। वो कहता एक्सपोर्ट है नहीं, लेकिन आप इसे एक्सपोर्ट मान लो। तो इसे हमने नाम दिया क्या चीज का? डीम्ड एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो डीम्ड एक्सपोर्ट क्या है जानना चाहोगे? चलो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ये कहता है जब भी डीम्ड एक्सपोर्ट की बात आएगी, एक्सपोर्ट में तो गुड्स और सर्विस दोनों थे, ये कहता है डीम्ड एक्सपोर्ट में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स की। किसकी बात करेंगे? सर्विस की बात कभी भी डीम्ड एक्सपोर्ट में आएगी ही नहीं। सर्विस की बात कभी भी डीम्ड एक्सपोर्ट में नहीं आएगी। तो सर क्या हुआ डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब, जरा इस चीज को समझना। कहता है डीम्ड एक्सपोर्ट रेफर टू सप्लाई ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। कि डीम्ड एक्सपोर्ट हम उस केस में यूज करेंगे जहां पर गुड्स कहां पर मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं? इंडिया में। विच आर नोटिफाइड एज डीम्ड एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 147, जो कि सेक्शन 147 में कवर है। सच सप्लाई डू नॉट लीव इंडिया एंड द पेमेंट फॉर सेम इज रिसीव्ड आइदर इन इंडिया रुपीज और कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज। कि ये वाली जो सप्लाई है वो कभी भी इंडिया लीव नहीं करती, लेकिन हम इसे डीम्ड एक्सपोर्ट मान लेते हैं। ठीक है, हमने कहा कैसे मानते हो आप इसे डीम्ड एक्सपोर्ट? उन्होंने कहा फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हैव बीन नोटिफाइड एज डीम्ड एक्सपोर्ट बाय गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 147 में लिखा है कि जिन सप्लाई को हम लिख कर बोल देंगे कि ये डीम्ड एक्सपोर्ट है, तो आप उसे डीम्ड एक्सपोर्ट ही मानना। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझना भाई। तुमने एक नाम सुना है EOU का है? EOU नहीं सुना? हाँ, तुम EOU क्यों सुनोगे? तुमने ये तो सुना होगा, ILU सुना है? हाँ, ये सुना है ना। कैसे अभी तो ILU वाले दिन है हमारे, EOU वाले दिन नहीं है बेटा, EOU वाले दिन है, इसका मतलब समझ। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। क्या बोलते हैं जी? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। अब समझो एक व्यक्ति है कपिल जैन, इसका बचपन से बड़ा मन था कि ये अपने माल को चाइना भेजे। कहाँ भेजे अपने माल को? चाइना भेजे। लेकिन इसे इंग्लिश आती ही नहीं थी, चियाओ मियाओ आता ही नहीं था इसे, कि चाइना कैसे भेजे। ठीक है, तो ये तो अपना सारा माल बनाया जा रहा था अपना दिल्ली में। कहाँ बना रहा था अपना सारा माल? दिल्ली में प्रोडक्शन करता था। मन बड़ा होता था कि ये चाइना माल को भेजे, एक्सपोर्ट करे। क्या करे? एक्सपोर्ट करे, जीरो रेटेड करे। लेकिन चियाओ मियाओ आती नहीं, इंग्लिश आती नहीं, बेचारा बड़े परेशान। इसका एक दोस्त था सोनू, ये लगता भी चाइनीज था। ये एक दिन क्या करा, ये एक दिन चाइना चला गया। ये क्या करा एक दिन? चाइना चला गया और चाइना में अपनी पार्टी वार्टी सेट करके आ गया। उसने कहा मैं तुम्हें माल खरीद के दूंगा, तुम मेरे से माल खरीदना। और ये आकर इसने अपनी एक दुकान खोल ली, अपनी एक यूनिट खोल ली EOU के अंदर। किसके अंदर खोल ली अपनी दुकान? EOU के अंदर। अब जैसे ही इसने अपनी दुकान खोली EOU के अंदर, वो इंडिया में है, क्या है वो दुकान? और इसने जैसे ही EOU में दुकान खोल लेते हैं, तो ये जैसे ही अपनी उस दुकान में जाते हैं, ये भी माँ कसम खाते हैं। कहते हैं माँ कसम मैं जितना भी माल सप्लाई करूँगा एक्सपोर्ट ही करूँगा, मैं डोमेस्टिक सेल नहीं करूँगा, मैं अपनी ये माँ कसम खाता हूँ। हाँ, कुछ बात कभी एक्सेप्शनल सिचुएशन हो गई कि मान लो बॉर्डर ही क्लोज हो गए, कुछ ऐसा हो गया और माल मेरे पे ज़्यादा हो गया और हिंदुस्तान ने मेरे से माल मांगा, तो मैं हिंदुस्तान को भी दूंगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? कि मैं अपना सारा माल एक्सपोर्ट करूंगा। तो जैसे ही अपनी ये माँ कसम खाते, इनके माथे पे ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये व्यक्ति कौन है? EOU है। क्या है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। ठीक है, अब ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट EOU का?
चाइना एक अलग है, और मैं कपिल जैन हूँ, जो मेरा सपना था कि मैं चाइना माल बेचूं, लेकिन मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, कुछ नहीं आता था। तो सोनू मेरे पास आया, उसने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, तू चाइना माल नहीं बेच पाया तो मैं बेचूंगा चाइना माल, क्योंकि मैंने तो माँ कसम खाई है, तू ऐसा कर मुझे अपना माल दे दे, तू ऐसा कर अपना माल किसे दे दे, मुझे दे दे, और मैं उस पर अपना नाम लगाकर चाइना भेज दूंगा। तो मैंने कहा मेरा सपना था मैं एक्सपोर्टर बनूं, उसने कहा सपना थोड़ा सा पूरा कर ले, तू एक्सपोर्टर तो नहीं है लेकिन मैं तुझे तेरे माथे पे ठप्पा लगवा देता हूं, किसका, डीम्ड एक्सपोर्टर का, किसका, डीम्ड एक्सपोर्टर का। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऐसी यूनिट को माल सेल करेगा जो ईओयू है, जो क्या है, ईओयू है, उसे हम क्या बोलेंगे, डीम्ड एक्सपोर्टर, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसका माल एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि डीम्ड एक्सपोर्ट क्या है, तो उसे बोल देना कि अगर इंडिया में कोई व्यक्ति इंडिया के ही किसी व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को माल दे रहा है कि जो एक्सपोर्ट करेगा, जैसे कि एग्जांपल ईओयू, तो उस सप्लाई को क्या बोलेंगे, डीम्ड एक्सपोर्ट। जब आप GSTR 1 भरते हो तो उसमें अलग कॉलम आता है डीम्ड एक्सपोर्ट का, आता या नहीं आता टिक करने को, तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने सेक्शन 147 में इन चार लोगों को नोटिफाइड किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ईओयू को माल बेचता है, किसे बोलता है, बेचता है जी, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू ईओयू, तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट होगा, इनडायरेक्टली एक्सपोर्टर होगा ना, क्या जी, इनडायरेक्टली एक्सपोर्टर हो गया, समझ आ गया डीम्ड एक्सपोर्ट का कंसेप्ट, समझ आ गया, कोई दिक्कत। तो ये चार ऐसे व्यक्ति है अगर आप इन्हें माल बेचते हो, जिसमें चार में फेमस कौन सा है, ईओयू वाला, तो मैंने उसे एग्जांपल के सहित आपको बता दिया। ये टैक्स लगाएगा मैन्युफैक्चरर, क्या चीज, डीम्ड एक्सपोर्टर है। अब इन्होंने बोला कि सर कैसे करेगा ये, क्या ये टैक्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, है अब ये मुद्दा है भाई, ये टैक्स लगाएगा, ये टैक्स लगाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसका क्या है, डीम्ड एक्सपोर्ट है, तो टैक्स ही लगाएगा। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं इसकी, ठीक है। अभी तुम ना, पहले मैं तुम्हें तीनों चीज़ बता दूँ, फिर उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओ, फिर मैं तुम्हें उसमें क्लैरिफाई करूँगा, लेकिन तीनों को अलग अलग। एक्सपोर्ट समझ आया था पहले आपको या नहीं आया था, किससे डील कर रहे थे, सेक्शन 16 से किससे डील कर रहे थे, फिर तुम्हें डीम्ड एक्सपोर्ट समझ आया या नहीं आया, किससे डील कर रहे हैं, सेक्शन 147 रेड विद नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 48/2017 एग्जांपल में क्या रखना है आपको, सप्लाई टू ईओयू। अब तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, और वो कहानी है मर्चेंट एक्सपोर्टर की। किसकी कहानी है वो, मर्चेंट एक्सपोर्टर, सुना दूँ, कंफ्यूज तो नहीं होगे, ये तीनों टर्म्स अलग अलग है। अब कहानी सुनाऊ मर्चेंट एक्सपोर्टर की, देखो थोड़ा कहानियों के साथ याद रखोगे तो तुम्हें समझ आएगा। अब क्या होता है, ये है एक मर्चेंट एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, ध्यान से समझना। एक कपिल जैन है, उसका सपना क्या है कि चाइना माल बेचे, लेकिन सपना पूरा नहीं हो रहा, ये डरता है चाइना माल बेचने से, क्यों, क्या पता पेमेंट ही ना आ जाए, पता चला पेमेंट के साथ वायरस ना आ जाए तो ये चाइना माल नहीं बेचता, इसे समझ ही नहीं आता कि भाई इंग्लैंड माल भेजूँ मैं, ठीक है, ये कहता अपने बस की नहीं है, लेकिन माल बहुत बनाता है, माल बनाता है बेचता है, माल बनाता है बेचता है, लेकिन कभी भी चाइना इंग्लैंड नहीं बेचता, अपने इंडिया में बेचता है, ठीक है। एक लड़का आता है, एक लड़की आती है, आपकी लड़की आती है, एक लड़की आती है इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, ठीक है, हॉस्टल से कड़ी हुई, ठीक है, ये जो ये लड़की आई कहती मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई हूँ, हॉस्टल से मैं कड़ी हुई हूँ, ठीक है, तो ये कहती है मैं क्या करूँगी, मैं एक्सपोर्ट करूँगी, मैं क्या करूँगी, मगर तो माल है तेरे पास, कह रही माल वाल कुछ नहीं है, पर मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, इसने मेल भेजी च्याओ म्याओ को, ठीक है, ठीक है, इसने इंग्लैंड वालों को माल भेजी, अपनी बढ़िया सी वेबसाइट बनाई, फ़ोटो वोटो बढ़िया से लगाया, इसने कह रही हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, और तुक्के से क्या हुआ, इंग्लैंड वाले ने इसे ऑर्डर भी दे दिया इंग्लैंड वाले ने इसे क्या दे दिया, ऑर्डर भी दे दिया, और इसके अकाउंट में 50 लाख रुपये भी डाल दिए कि मैडम ऑर्डर सप्लाई कर दो, करीब पैसे, अब क्या करूँ, मेरे को तो पता ही नहीं है माल वाल क्या है क्या नहीं है,
मैं तो बस अभी पढ़ के आई थी। अब भाई कॉन्टैक्ट आ रहे, तो इसने क्या करा, कपिल जैन से कॉन्टैक्ट करा। इसने क्या कहा कि कपिल जैन चाइना माल भेजेगा। उसने कहा ना ना मुझे नहीं मतलब चाइना वाइना से। उसने कहा था, अगर तू माल मुझे दे दे तू माल। लेकिन ये लड़की ईओयू में नहीं है आपकी बात, किस में नहीं है, ईओयू में नहीं है। ईओयू होती तो क्या होती, माँ कसम खाती कि मैं एक्सपोर्ट करूँगी। लेकिन ये क्या नॉर्मल है अपनी सिंपल, लेकिन इस पर फॉरन के ऑर्डर्स बहुत है। समझ में आ गई कहानी या नहीं। तो इसने कहा कपिल जैन मुझे माल बेच। मैंने कहा ठीक है तुझे माल दे दूंगा मैं। तो मैंने क्या करा, इसे 1 करोड़ का माल दिया। कितने का माल दिया, 1 करोड़ का माल दिया। और इस पर 18 लाख रुपए जीएसटी भी लगाया, लगाऊंगा या नहीं, या 28 लाख रुपए जीएसटी लगाया या नहीं, 28%। मैंने कहा हाँ भाई छोरी 1 करोड़ 28 लाख रुपए दे दे हमारे अकाउंट में। इसने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं एक्सपोर्टर हूँ, एक्सपोर्ट करूँगी। मैंने कहा मुझे क्या मतलब, मुझे क्या मतलब, मैंने माल किसे बेचा है तुम्हें। या तो मैं सेक्शन 16 से डायरेक्ट चाइना माल बेचता तो मुझे कुछ रिलैक्सेशन आता, या मैं एक ऐसे व्यक्ति को माल बेचता जो ईओयू है तो मेरा नाम क्या होता कि मैं डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तुम कौन, कह रही तुम जानते नहीं हो मैं एक्सपोर्ट करूंगी। मैंने कहा मुझे नहीं मतलब, तू कर या मत कर, मुझे तो मेरे क्या कर, 1 करोड़ 28 लाख रुपए दे। अब इसकी पोजीशन समझो ये क्या करेगी। अब इसके पास 2 रास्ते हैं, इसके पास कितने रास्ते हैं, या तो ये माँ कसम खाए कि मैं नहीं ईओयू, नहीं ईओयू तो पिक्चर से निकल गया, इन्हें काल लो पिक्चर से। या तो कन्वर्ट होती तो कुछ बात बनती, लेकिन ऐसे कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। ये तो अपना लोकल में ही अपने घर से ही मेल वेल भेज रही थी, ठीक है। वो तो तुक्का लग गया, 2-4 फंस गए, ठीक है। अब इसके पास 2 रास्ते हैं इस लड़की के पास, या तो अभी एक्सपोर्ट ही करेगी, या तो ये विद पेमेंट कर दे। हाँ, या तो ये विद पेमेंट कर दे, या ये विदाउट पेमेंट कर दे। अगर ये विदाउट पेमेंट भी करती है तो इसे कपिल जैन को 1 करोड़ 28 लाख देने पड़ेंगे या नहीं। कपिल जैन तो कोई रिलैक्सेशन नहीं देने वाला इसे, बोलो। कपिल जैन को 1 करोड़ 28 लाख देगी, एक्सपोर्ट करेगी, 1 करोड़ रुपए अपनी सामने वाली पार्टी से लेगी, और 28 लाख का क्या करेगी, डिपार्टमेंट में धक्के खाएगी, रिफंड लेगी ITC का, राइट। या इसके पास दूसरा रास्ता है कि ये इस 1 करोड़ के माल को 1.5 करोड़ में सेल करे पहले, और इस 1.5 करोड़ पे GST दे, और उस GST को ITC से सेट ऑफ करे। ये कह रही पैसे ही नहीं है भैया, ये कह रही है पैसे ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे व्यक्तियों के लिए एक स्कीम बनाई और उसे नाम दिया मर्चेंट एक्सपोर्टर। क्या बोला जी, गवर्नमेंट ने इसे कहा कि इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, ठीक है, नहीं GST में तो रजिस्टर्ड है, कि ऐसा कर एक नया कंसेप्ट लाए तेरे के लिए मर्चेंट एक्सपोर्टर। क्या कर, अपने आप को मर्चेंट एक्सपोर्टर घोषित करते, अपने आप को क्या करते, मर्चेंट एक्सपोर्टर। क्या है, वो कहता मैं कुछ नहीं करता, इधर से माल खरीदूंगा एक्सपोर्ट कर दूंगा, इधर से खरीदूंगा एक्सपोर्ट कर दूंगा। अब ये कह रही है कपिल जैन में मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ। मैंने कहा मैं क्या करूँ फिर, तू मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो, गवर्नमेंट से कह रही है गवर्नमेंट में मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, तो गवर्नमेंट कह रही है क्या फिर क्या करें। वो कह रही है तुम पहले कपिल जैन मुझे 28 लाख रुपए GST लगा के देगा, फिर तुम इसे रिफंड करोगे। ऐसा करो ये लिख दो कि भाई कपिल जैन तो GST मत ही लगा, या लगा तो 0.1% से लगा, किससे लगा, 0.1% से GST लगा दे बस। मैंने कहा इससे तुझे क्या फायदा होगा, कह रही अगर ये मुझे 0.1% से GST लगा देगा तो मेरा GST में जो 28 लाख लोग होना है, तो 1 करोड़ का 0.1% बोलो भाई कितना हुआ। अबे बोलो गणितज्ञ, हेलो, इन्हें 0.1% नहीं पता, अकाउंटेंट कैसे है भाई साहब। अबे भाई 1 करोड़ का 1% कितना होता है, है 1 लाख होता है, और 0.1% कितना होता है, 10,000 रुपये हो गया ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, 1 करोड़ का माल खरीद और 10,000 रुपये, तो ये तो हम इतना तो बियर कर लेगी ना, और इस माल को
एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इतनी माँ कसम खिलवाएंगे तुमसे मर्चेंट एक्सपोर्टर में तुम पागल हो जाओगे। कैसे माँ कसम खिलवाएंगे? अब इसमें लड़की भी फंसेगी और ये कपिल जैन भी फंसेगा अगर तुम मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू माल बेच रहे हो। सर फंसेंगे क्यों भाई? जब 28 लाख रुपए तुम्हारे हमने ब्लॉक होने से बचाए तो माँ कसम तो खानी पड़ेगी। क्या कैसी कैसी माँ कसम खाएंगे? कपिल जैन जब अपना माल बेच रहा होगा इस इंग्लिश मीडियम को पढ़ी हुई को, ठीक है, मर्चेंट एक्सपोर्टर को, किसे? तो ये कसम खाएगा कि अगर मेरे मर्चेंट एक्सपोर्टर ने माल एक्सपोर्ट नहीं करा 3 महीने के अंदर तो मैं पैसे दूंगा। तो जो एक्सपोर्टर इसके जाल में फंसते हैं तो टैक्स तो बहुत मिनिमम आ जाता है, लेकिन कसमें इतनी हो जाती है कि अगर किसी ने भी डिफॉल्ट करा तो उसकी रेल बन जाती है। तो एक्सपोर्ट करने के 3 डायरेक्शंस हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट, एक डीम्ड एक्सपोर्ट और तीसरा मर्चेंट एक्सपोर्ट। चलो इसे पढ़ लो, मर्चेंट एक्सपोर्टर को, तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। कहता है देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन जीएसटी लॉ फॉर एक्सपोर्ट थ्रू थर्ड पार्टी। कि कपिल जैन का सपना था एक्सपोर्ट करने का, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम थर्ड पार्टी के थ्रू एक्सपोर्ट कर दो। कॉमनली नोज एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर, ठीक है ना। हाउएवर ए लो रेट ऑफ 0.1% और सप्लाई फॉर एक्सपोर्ट थ्रू थर्ड पार्टी हैज बीन प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। इसके लिए एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन लेकर आए और इसमें क्या बोला, 0.1% लगेगा। किस पे लगेगा? 0.1%। कैसे लगेगा? सर्कुलर नंबर इसका तुम्हें पढ़ना पड़ेगा 125, डेटेड 18 नवंबर 2019, हैज क्लैरिफाइड डेट द एक्सपोर्टर रिसीविंग द गुड्स। यहाँ पर एक्सपोर्टर कौन है बोलो मेरे एग्जाम्पल में? अरे वो लड़की है इंग्लिश मीडियम, एक्सपोर्टर तो वही है ना। इंग्लैंड के साथ डील कौन कर रही है? लड़की। कहता है तो एक्सपोर्टर होगा वो गुड्स रिसीव करेगा किस रेट पर? कंसेशनल रेट पे। किस रेट पे करेगा? कंसेशनल रेट पे। तो जो उसे वो 28 लाख रुपए की ब्लॉकिंग हो रही थी उसके जीएसटी की, वो खत्म हो जा रही है। समझ आई या नहीं आई बोलो? तो आप 0.1% पे इसको टैक्स करो। मैं 0.1% पे टैक्स करूंगा, लेकिन मेरे साथ समस्या है, मैं कई बार ऐसा करना चाहूंगा भी और नहीं भी करना चाहूंगा। अभी आते हैं उस पर। अब इन्होंने कहा सर चैन को थोड़ा लंबा करके समझते हैं कि सर अब कपिल जैन की भी तो समस्या समझो। कपिल जैन जब 0.1% पे सेल करेगा तो कपिल जैन ने भी तो पीछे परचेज कर रखा होगा 28% पे, है या नहीं? तो कपिल जैन का ITC बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर भी रिफंड ले सकता है। लेकिन इस माया जाल में फंसने के लिए समझना पड़ेगा तुम्हें। पता चला तुम्हें कोई कह दे कि भाई मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ और मुझे ना 0.1% लगा के दे, और तुमने लगा के दे दिया बिना कुछ सोचे समझे, और वो उसने आगे एक्सपोर्ट नहीं करा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ वो कह रही मैं तो मजाक कर रही थी, मजाक में 50 लाख आ गए, मैं तो नहीं कर रही एक्सपोर्ट, कलर अच्छा नहीं आया माल का, है ना, मम्मी मना कर रही है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे तो लड़का फंस जाएगा, समझ आई? क्योंकि ये भी तो माल कितने पे खरीद के लाया है? 28 पे, और इसने तुम्हें किस पे बेच दिया? 0.1%। तो इसका ITC बहुत ज्यादा ब्लॉक हो गया, समझ में आ रही है? वो तो बच गई, वो तो 0.1 पे खरीद के, ठीक है, टैक्स तो लगा ही नहीं रही एक्सपोर्ट में, समझ आ रही है कहानी? तो इसे थोड़ा सा बारीकी से समझ लो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? कंसेशनल रेट पे उसे मिल जाएगा, विल बी एलिजिबल टू टेक क्रेडिट एज कंसेशनल रेट सो पेड बाय हिम, और उसे उसका ITC भी मिल जाएगा। द सप्लायर, वो व्यक्ति जो सप्लाई कर रहा है किसे? मर्चेंट एक्सपोर्टर को। द सप्लायर हु सप्लाई गुड्स एंड कंसेशनल रेट विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड, इसे रिफंड दे दिया जाएगा। अरे घोड़ू, ITC नहीं पड़ा हुआ उसका? ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड, क्योंकि खरीद रहा है ये 18-28 पे, बेच रहा किस पे? 0.1 पे, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन दिस। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट द एक्सपोर्टर ऑफ सच गुड्स कैन एक्सपोर्ट द गुड्स ओनली अंडर LUT बॉन्ड एंड कैन नॉट एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। लेकिन वो इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई
अब वो कह रही है मैं तो विद पेमेंट बेचूंगी, अब तुझे टैक्स काय के लिए चाहिए? अब तू किस पे बेच? LUT पे। किस पे बेच? क्योंकि तू तो बेच ही नहीं सकती, क्योंकि तेरे पास तो ITC है ही नहीं। अगर तेरे पे पैसे ही थे तो तूने खरीदा क्यों? अंडर मर्चेंट एक्सपोर्टर, समझ में आ रही है बात या नहीं? तो तुम आगे कैसे सप्लाई करोगे? LUT पे। LUT पे वो सप्लाई करेगी तो उसका ITC तो बड़ा छोटा सा रह गया, 1 करोड़ पे 10 हजार नेगलिजिबल अमाउंट। कपिल जैन पे ITC का भंडार खड़ा हो गया, तो कपिल जैन क्या कर लेगा? रिफंड ले लेगा। ठीक है, लेकिन उस पर है कितना भाई? 10 हजार। अभी 10 हजार की टेंशन क्यों ले रहे हो बब्बर जी? अभी 28 लाख अटके पड़े हैं लोगों के। तुम अभी अरे अभी अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो? अभी पहले नॉर्मल तो समझ लो। सबसे मजे की बात यही होती है, जब मैं किसी को एक्सपोर्ट सिखा रहा होता हूँ या रिफंड सिखा रहा हो तो वो नॉर्मल घुसेड़ देता है उसमें। अबे पहले जो केस होता है अलग अलग समझ लो, दोनों होता है इसलिए। नहीं अभी नहीं, पहले अलग अलग, मैं भी परेशान हो जाऊंगा। समझ गए, मैं तो जो थ्योरी लिखा वही प्रैक्टिकल तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, सर्कुलर नंबर 8 जो 4 अक्टूबर 2017 को आया है क्लैरिफाइड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इशू CT1। कोई CT1 फॉर्म होता था ठीक है, विच इनेबल मर्चेंट एक्सपोर्टर टू परचेज गुड्स फ्रॉम द मैनुफैक्चर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द GST रिजीम द ट्रांजेक्शन बिटवीन ए मैनुफैक्चर। हम यहाँ पर जो कपिल जैन उसे क्या बोल रहे हैं एक तरीके से, मैनुफैक्चर एंड ए मर्चेंट एक्सपोर्टर कौन है? वो लड़की। इज द नेचर ऑफ सप्लाई एंड सेम वुड बी सब्जेक्ट टू GST। उस पर GST आएगा और कितना आएगा? 0.1%। मैनुफैक्चरर एक्सपोर्टर मीन्स ए पर्सन हु एक्सपोर्ट गुड्स मैनुफैक्चर बाई हिम और इंटेंट टू सच गुड्स एक्सपोर्ट सच गुड्स। मर्चेंट एक्सपोर्टर मीन्स ए पर्सन एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। वो मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या है? सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी करेगा इन एक्सपोर्टिंग और इंटेंडिंग टू एक्सपोर्ट गुड्स एज डिफाइंड अंडर द फॉरन ट्रेड पॉलिसी। अब इसके अंदर और कंडीशन है, वो जरा समझ लो। ए रजिस्टर्ड सप्लायर कैन सप्लाई गुड्स टू मर्चेंट एक्सपोर्टर, कि मैं जो हूँ कपिल जैन किसे माल बेच सकता हूँ? मर्चेंट एक्सपोर्टर को एट लो रेट, लो रेट पर बेच सकता हूँ, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी आप किसी मर्चेंट एक्सपोर्टर को माल बेच रहे हो तो GSTR 1 में ऑप्शन आता है मर्चेंट एक्सपोर्टर का, तो क्या क्या कंडीशन है? कहते हैं रजिस्टर्ड सप्लायर मैनुफैक्चरर शैल सप्लाई द गुड्स टू द रजिस्टर्ड रिसिपियंट। मैं ट्रेडर नहीं हो सकता, अगर मुझे माल बेचना है किसी मर्चेंट एक्सपोर्टर को, मैं क्या होऊंगा? बेसिकली मैन्युफैक्चरर। ठीक है ना, शैल सप्लाई द गुड्स टू द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट मर्चेंट एक्सपोर्टर ओन ए टैक्स इनवॉइस। ठीक है, मैं किस पे माल बेचूंगा? टैक्स इनवॉइस पे, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन क्या है? एक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है। द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट वो लड़की सेल एक्सपोर्ट द सैड गुड्स विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज। कि वो गुड्स वो कितने महीनों में एक्सपोर्ट कर देगी? 90 दिनों में एक्सपोर्ट कर देगी। एंड द डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस बाय द रजिस्टर्ड सप्लायर, मैंने जैसे इनवॉइस दिया उस इनवॉइस के 90 दिनों के अंदर एक्सपोर्ट कर दे। ठीक है, अगर नहीं करेगी तो मेरी सहमत आई। द रजिस्टर्ड रिसिपियंट सेल इंडिकेट द GSTN नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड सप्लायर एंड द टैक्स इनवॉइस नंबर इशूड बाय द रजिस्टर्ड सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ सैड गुड्स इन द शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। जब वो वहाँ से शिपिंग बिल दे रही होगी, बिल ऑफ एक्सपोर्ट दे रही होगी, तो वहाँ पर वो लिखेगी ये माल मैंने नहीं बनाया, मैं तो खरीद के लाई थी किससे? कपिल जैन से। किससे खरीद के लाई थी? कपिल जैन से, इस बिल पर खरीद के लाई थी। ठीक है, द रजिस्टर्ड रिसिपियंट शैल बी रजिस्टर्ड विद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। वो जो लड़की है वो EOU में रजिस्टर्ड नहीं होगी, लेकिन किस में रजिस्टर्ड होगी? अपने आप को एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्टर्ड करेगी। ठीक है, द रजिस्टर्ड रिसिपियंट शैल प्लेस एन ऑर्डर ऑन द रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर प्रोक्योरिंग गुड्स एट कंसेशनल रेट। कहेगी माई बाप मुझे कंसेशनल रेट पे गुड्स दे दो एंड ए कॉपी ऑफ सेम सेल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू द ज्यूरिडिक्शनल टैक्स ऑफिसर ऑफ द रजिस्टर्ड सप्लायर। फिर वो एक कॉपी वो जो मुझे देगी, मैं अपने किसे दूंगा? ज्यूरिडिक्शन ऑफिसर को। मैं कहूँगा ये लड़की के मैं ऐसे प्रेम जाल में नहीं फंसाऊँ कि सस्ते में माल बेच रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? मर्चेंट एक्सपोर्टर है और इसने मुझे रिक्वेस्ट करी है कि मुझे 0.1% पे बेच दो, तो मेरा ऑफिसर मुझे परमिट करेगा। समझ आ गई कहानी?
द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट शैल मूव द सेड गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर. मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस से वो गुड्स डायरेक्टली जाएंगे पोर्ट पर, उसके घर नहीं जाएंगे. कहाँ जाएंगे? डायरेक्टली पोर्ट पर, दिस 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 पर जाएंगे, ठीक है ना. डायरेक्टली टू द रजिस्टर्ड वेयर हाउस पर जाएंगे. क्लियर है? रजिस्टर्ड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द रजिस्टर्ड एडिशनल प्रिंसिपल और डीम टू बी रजिस्टर्ड वेयर हाउस, ठीक है. अब यहाँ पर मजे की बात समझो. इफ द रजिस्टर्ड रिसीपिएंट इंटेंडेड टू एग्रीगेट सप्लाई फ्रॉम मल्टीपल रजिस्टर्ड सप्लायर, उसने कहा भाई साहब तुम डायरेक्ट भेज दोगे मुझे तो इस माल के साथ बाकी लोगों से खरीद के इकट्ठा करके देना है. तो उसने कहा अच्छा अगर तुम्हें इकट्ठा करके देना है तो आप मल्टीपल रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीद लो. देन एक्सपोर्ट द गुड्स फ्रॉम ईच रजिस्टर्ड सप्लायर शैल मूव टू ए रजिस्टर्ड वेयर हाउस एंड आफ्टर एग्रीग्रेशन द रजिस्टर्ड रिसीपिएंट शैल मूव द गुड्स टू द पोर्ट. कि आप रजिस्टर्ड वेयर हाउस पर लेकर जाओ, ऐसा मत करना आप कहीं और बेच दो, ठीक है. इन केस ऑफ सिचुएशन रेफर्ड टू इन जी द रजिस्टर्ड रिसीपिएंट शैल एंडोर्स रिसीप्ट ऑफ गुड्स और दिस इज दिस रजिस्टर्ड वेयर हाउस दिस दिस दिस, ठीक है. जहाँ पर मैं रजिस्टर्ड वेयर हाउस पे जाएगा माल, उसकी रिसीविंग मैं ऑफिसर को दूंगी कि भाई ये माल यहाँ पहुँचा है. आफ्टर गुड्स हैज बीन एक्सपोर्ट, जब गुड्स एक्सपोर्ट हो जाएंगे द रजिस्टर्ड रिसीपिएंट शैल प्रोवाइड कॉपी ऑफ शिपिंग बिल, तो शिपिंग बिल की कॉपी और बिल ऑफ एक्सपोर्ट कंटेनिंग डिटेल ऑफ जीएसटी एंड टैक्स इनवॉइस दिस दिस इज प्रूफ एक्सपोर्ट प्रूफ हैव बीन फाइल्ड टू द रजिस्टर्ड सप्लायर एज वेल ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर ऑफ सर सप्लायर. फिर वो मुझे कॉपी दे देगी कि भाई मैंने तुम्हारे को माल सप्लाई कर दिया, मतलब फ़ौरन में. और अपने उसे भी मर्चेंट एक्सपोर्टर में एक्सक्लूड कमर्शियल सी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वाइल प्रोवाइडिंग कॉपी ऑफ शिपिंग बिल टू द रजिस्टर्ड सप्लायर. अब इसमें कई बार यह दिक्कत आती है कि जब वो सारी डिटेल मुझे देगी तो मुझे ये भी पता लग जाएगा उसने इंग्लैंड में किसे माल बेचा, हो सकता है या नहीं, तो मैं डायरेक्ट ही कनेक्ट कर लूँगा. इसलिए कोई बहुत कम लोग मर्चेंट एक्सपोर्टर के रूट से जाते हैं. समझ आई कहानी? तो इन तीनों में अंतर समझ आ गया. एक्सपोर्ट क्या होता है, डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है और मर्चेंट एक्सपोर्ट क्या होता है. इन तीनों में क्लियरिटी है. हाँ, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, ठीक है. अदरवाइज अब हम इम्पोर्ट को शुरू करेंगे. चलिए जी, थैंक यू.